साउंड 1-7 एक्शन। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुन्दर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। देखा दोस्तों, मोदी जी ने समुद्र के भीतर जाकर रेड कार्पेट बिछाकर द्वारिकानाथ के दर्शन किए और मोर पंख के साथ वीडियो बनवाया। और दोस्तों, साहब जी पानी के अंदर गए हैं, लगता है अब मछलियों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। यही गिनती करने गए होंगे कि कितनी मछलियां हैं, उनके खाते में भी 15-15 लाख डलवाने वाले हैं, क्योंकि साहब जी का मछलियों से पुराना नाता है। बचपन में गरीबी होने की वजह से खिलौने नहीं थे तो मछलियों के साथ खेलने जाते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और साहब जी विकास को ढूंढने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की हमारे साहब जी ने। यह बात अलग है कि विकास वहां समंदर में भी नहीं मिला, लेकिन हमारे साहब जी कोशिश तो करते रहे हैं। वैसे दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आया कि मोदी जी को तो 4 लोगों ने पकड़ रखा था, तब वो पानी के अंदर बढ़िया से बैठे थे, लेकिन वीडियो बनाने वाले कैमरामैन को किसने पकड़ रखा था? क्योंकि वीडियो बहुत ही मस्त बनी है। इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही नहीं देश पर कर्जा बढ़ रहा है लगातार, कैमरामैन को भी पकड़ने वाले रहे होंगे 2-4। यह तो अच्छा हुआ साहब ने समुद्र के अंदर पानी के अंदर द्वारका के दर्शन किए। कहीं ये बोल देते कि साहब जी ने द्वारका की खोज किया है तो भक्त हो जाते सब प्रसन्न, बाकी लोग हो जाते सब सनासन। सही पकड़े हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा, गलती ये देखिए गमछा क्या हुआ। देखा दोस्तों, आदृश्य आत्माओं को भी हमारे साहब जी देख सकते हैं, इसीलिए हाथ हिला हिला कर संबोधित कर रहे हैं, वह भी खूब जोर जोर से। काश ये अद्भुत कला अन्य भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने सीख लिया होता तो आज वो भी सत्ता में होते। वैसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन साहब के इवेंट मैनेजमेंट का कोई जवाब नहीं। किसी दिन इवेंट मैनेजमेंट के लिए ये अपना नाम नोबेल प्राइज में न भेज दे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पानी की तरफ हाथ साहब जी मछलियों को हिला रहे हैं। मछलियों बहनों, केकड़ों भाइयों, मेरा आपसे पुराना नाता है, अभी आपके साथ खेलने आ रहा हूँ, उसी का सिग्नल दे रहा हूँ। और लगता है साहब जी को हाथ हिलाने का आदत हो गया है, कहीं भी जाते हैं हाथ हिलाते रहते हैं। कहीं साहब जी के उम्र के साथ साथ कमजोरी की वजह से तो नहीं हिलाते रहते हैं? और अंधभक्त लोग समझ रहे होंगे कि साहब जी किसी को संबोधन कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर यह भी हो सकता है कि साहब जी का यह भी हो कोई प्लान कि जहाँ पर कोई है नहीं वहाँ पर भी हिला रहे हैं हाथ। हाथ हिलाते हिलाते साहब ने पूरे देश को हिला रखा है। महंगाई से परेशान जनता, बेरोजगारी से परेशान, किसानों के लिए गली गली सांड फैला रखा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।